सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेटेस्ट क्यू कार्ड्स जो कि आपके मई टू अगस्त के लिए अभी लेटेस्ट आए हैं. सो अवर फर्स्ट क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ न्यू डेवलपमेंट इन योर कंट्री और द एरिया वेयर यू लिव. कि आपकी कंट्री में कोई भी न्यू डेवलपमेंट हुई हो या फिर उस एरिया में जहाँ आप ऑलरेडी रह रहे हो लाइक शॉपिंग सेंटर पार्क एट्सेट्रा. यू शुड से वॉट एंड वेयर द डेवलपमेंट कि क्या हुई है और कहाँ हुई है. वॉट इट वॉज लाइक बिफोर और ये डेवलपमेंट से पहले वहाँ क्या था. हाउ लॉन्ग इट टुक टू कम्प्लीट और इसको कितना टाइम लगा कम्प्लीट होने में. हाउ पीपल फील अबाउट इट लोगों को कैसा फील होता है इस डेवलपमेंट के बारे में. एंड एक्सप्लेन हाउ इट हैज़ इम्प्रूव द एरिया यू लिव इन और इस एरिया को कैसे इम्प्रूवमेंट मिली है इस वाली डेवलपमेंट होने के कारण. सो लेट्स सी. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो मस्ट जॉइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल ताकि आपको नई नई वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे. और आपको लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा. और अगर आपका एग्ज़ाम ज़्यादा अर्लियर है सो आप PDF भी बाय कर सकते हो. यू जस्ट सेंड मी मैसेज ऑन द इंस्टाग्राम आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल द डिटेल. सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो. So our sample answer is, well, developments in infrastructure play a crucial role in the progress of nation. कि infrastructure के अंदर developments करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि nation की progress हो सके. Although the government has done a number of developments in my area, वैसे तो government ने बहुत सारे developments किए हैं उस area में जहाँ पर मैं रहती हूँ like flyover, roads, bridges and many more. बट हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ रीसेंट डिवेलपमेंट. बट मैं अभी जो अभी रीसेंट डिवेलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करना चाहूँगी. दैट हैज़ बीन डन इन माई एरिया वेयर आई लिव जहाँ मैं रहती हूँ उस वाले एरिया में ये डिवेलपमेंट हुई है. दिस डिवेलपमेंट इज़ नन अदर देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्क. तो एक डिवेलपमेंट क्या हुई है कि किस एक पार्क की कंस्ट्रक्शन करवाई है गवर्नमेंट में. द नेम ऑफ द पार्क इज़ नेचर पार्क. पार्क का नाम नेचर पार्क है. Talking about its location, अगर इसकी location की बात करूँ, it is situated a stone's throw away from my home as well as in the center of heart of my city. कि ये मेरे घर से बिल्कुल पास में ही है. stone's throw away एक idiom है जिसका मतलब होता है near by as well as in the heart of my city. heart of city का मतलब कि मेरे टाउन के बिल्कुल सेंटर में है, सिटी के सेंटर में है. if I talk about the previous condition of this place, कि अगर मैं ऐसे बात करूँ कि ये प्लेस पहले कैसी थी, इसकी कंडीशन कैसी थी. इट वॉज एन ओपन स्पेस, एक खुली स्पेस थी. वेयर पीपल यूज टू थ्रो गार्बेज फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड कमर्शियल्स. जहाँ लोग गार्बेज फेंका करते थे अपने घर का, अपनी शॉप्स का. इट वॉज सच अ स्टिंकिंग एंड ब्रीडिंग प्लेस फॉर मस्कीटोज एंड फ्लाइज. कि यहाँ पर ना स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबू वाली प्लेस, ब्रीडिंग जहाँ पे मक्खी मच्छर पल जाते हैं. तो ये एक बहुत बदबूदार और ब्रीडिंग प्लेस थी मस्कीटोज और फ्लाइज के लिए. वेन इट कम्स टू ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट, कि अगर मैं टाइम की बात करूँ कि इस डेवलपमेंट को करने में कितना टाइम लगा. आई वुड से इट टुक अराउंड अ ईयर टू कम्प्लीट इट. तो मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट एक साल लगा इसको कम्प्लीट करने के लिए. वेन इट कम्स टू द फीलिंग्स ऑफ द पीपल लिविंग देयर, कि जो यहाँ लोग रहते हैं उनकी फीलिंग्स के बारे में बात करूँ. आई वुड से दे रियली फील ब्लेस्ड. उनको बहुत ब्लेस्ड फील होता है इस डेवलपमेंट के कारण. एंड ओवर द मून, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं इस कंस्ट्रक्शन से. बिकॉज इट हैज़ हेल्प देम इम्प्रूव देयर लाइफ्स बाय विजिटिंग इट. क्योंकि इसकी वजह से उनकी लाइफ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है. वो इस प्लेस को बहुत ज़्यादा विजिट भी करते हैं. इट प्रोवाइड्स देम अ प्लेस टू मीट विद द पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड रिलीजन्स एज वेल. उन इस कंस्ट्रक्शन के कारण उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो यहाँ जाके अलग अलग टाइप के लोगों को से मिल सकते हैं. अलग अलग टाइप के लोग दैट मीन्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, जो अलग अलग रिलीजन है उनसे. दिस इज़ जस्ट लाइक अ पिकनिक स्पॉट फॉर देम, उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट की तरह है. बिकॉज देर आर मैनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर ऑल एजेस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वो भी हर एज ग्रुप के लिए. लाइक जिम प्रोडक्ट्स, वॉकिंग ट्रैक, स्पोर्ट्स एंड मैनी मोर. इट हैज़ इम्प्रूव द एरिया इन मैनी वेज. इसने इस डेवलपमेंट के कारण जो ये एरिया है वो बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी तरीक़ों से इम्प्रूव हुआ है. द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या है, कि पीपल हैव बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग द नेचर. कि वो अब नेचर को लेके थोड़े और ज़्यादा कंसिडर हो गए हैं, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं. वो अपने आसपास का ज़्यादा ध्यान रखते हैं.
अनदर वन इज़ दैट, और दूसरा ये इट हेल्प्स टू सेव देयर टाइम, इससे इनका टाइम भी सेव होता है। कैसे? एज इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में क्या होता था, पीपल हैड टू मूव टू अनदर सिटी टू हैव सम पिकनिक टाइम विद देयर नियर एंड डियर वंस, कि उनको दूसरी सिटी में जाना पड़ता था छोटी सी पिकनिक के लिए भी, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी। मोर ओवर पीपल फील ऑल्सो काम बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई ग्रीनरी, और साथ में इस प्लेस की वजह से लोग ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि ये ग्रीनरी से सराउंडेड है। ऑल इन ऑल दिस इज़ द रिसेंट डिवेलपमेंट दैट हैज़ बिन डन इन माई लोकेलिटी, तो ये वाली रिसेंट डिवेलपमेंट है जो कि मेरी लोकेलिटी में हुई है, मतलब मेरे सराउंडिंग, मेरे एरिया में हुई है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्यू कार्ड, जिसका सैम्पल वर्जन आपने देखा। सो एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू बाई, सो लेट मी नो, आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।